सौंप दिया। लक्ष्मण जी महाराज अनुगामी बनकर के चलने लगे। अब जैसे चलते हैं तो तीन स्थितियां आई सामने इस यात्रा में। कौन कौन? बोले सबसे पहले समस्या के रूप में ताड़का आ गई, दूसरी समस्या अहिल्या बन गई। क्यों भाई बन गई ना अहिल्या? और तीसरी जनकपुर में समस्या धनुष की पैदा हो गई। तो जनक जी महाराज कहने लगे सुकृति जाए जो पन पर हरऊ तो कुंवरी कुंवारी रहे का करहु। ये तीसरी समस्या। जनक जी कहते हैं कि बेटी का विवाह नहीं करता हूं तो याद रखना जनक तुझे अपयश मिलेगा, और यदि प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते हैं, और यदि प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी का विवाह नहीं होता है तो अपयश का पात्र बनता हूं। ये तीन समस्याएं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं राम जी ने तीनों समस्याओं का समाधान किया। बोलो किया कि नहीं किया? तीन समस्याएं आई, ताड़का समस्या है, अहिल्या समस्या है, और जनकपुर में धनुष समस्या है, और उस धनुष के माध्यम से श्री किशोरी जी का विवाह भी आज समस्या बन गया है। लेकिन विचार करना बुद्धिजीवी और रामचरितमानस के जितने अध्येता बैठे हुए हैं, कान खोल करके मेरी बात को सुन ले। भगवान राम ने तीनों समस्याओं का समाधान किया, और इन तीनों समस्याओं में याद रखना यज्ञ ही समाधान बना है। दशरथ जी महाराज अयोध्या की जो समस्या थी, यज्ञ ने उस समस्या का समाधान कर दिया, राम जी प्रकट हो गए। अहिल्या समस्या थी, पत्थर की पड़ी हुई थी, और ये ताड़का ऋषि मुनि महात्माओं को खा जाती थी, ये भी एक समस्या थी। लेकिन भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते हैं निजपद दीना, ताड़का का मरण किया, समस्या का समाधान हो गया। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ पूरा हुआ, तो यज्ञ पूर्ण होने के बाद जो अहिल्या की समस्या थी, याद रखना उस अहिल्या की समस्या का भी समाधान हो गया, क्योंकि चरण रख के अहिल्या का तरण किया। क्या किया? तरण। बोलो तरण हो गया कि नहीं? तर गई अहिल्या, मानी तरण हुआ। यज्ञ के बाद अहिल्या का तरण, इसके बाद मिथिला में श्री जनक नंदिनी जानकी जी का वरण, विश्वामित्र जी का यज्ञ श्री राम जी के द्वारा सफल होता है। कैसे सफल हुआ? के प्रात कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। प्रात कहा मुनिशन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। महाराज आप निश्चिंत होकर के यज्ञ करें। अच्छा भैया, जैसे यज्ञ शुरू हुआ तो मारीच ने आक्रमण किया, इसके बाद सुबाहु ने आक्रमण किया। तो जैसे ही मारीच आया, मारीच के पीछे सुबाहु आ गया, विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि मारी सुबाहु चाहे जितना आक्रमण करें, लेकिन अब राम जी रक्षा कर रहे हैं, तो अब मेरा यज्ञ जो है सुरक्षित है, यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन समस्या एक अटक गई। क्या? भगवान ने बिना फरका बाण दिया मारीच के, तो मरा नहीं, सीधा चला गया दूर। बिना बिन फर बाण राम तय मारा, सतजोजन गा सागर पारा। अब विश्वामित्र जी ने कहा और बड़ी समस्या अटक गई, या तो मर जाता या इसे बाण नहीं मारते, या फिर मर जाता तो ठीक था, अब ये तो भागा चला गया, अब समस्या की समस्या अटकी रह गई। अभी तो ये पास में था, अब तो दूर चला गया। सुबाहु आया तो सुबाहु को अग्निबाण से जला दिया, सेना को भी नष्ट कर दिया। अनुज निशाचर कटक संघारा। प्रश्न खड़ा हो गया कि मारीच को क्यों नहीं मारा, ये बिना फरका बाण मार के क्यों दूर कर दिया, सुबाहु को क्यों जला दिया? जलाना था तो दोनों को जलाना चाहिए था। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मारीच क्या है, मारीच दोष है, और सुबाहु क्या है? बोले सुबाहु दुख है। मारीच दोष है, सुबाहु क्या है? दुख है। दोष मरता है कि दोष दूर होता है, पहले ये बताओ। दोष को दूर किया जाता है, दोष मरता नहीं है। दोष को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है।
अच्छा जब दोष दूर हो जाता है तो जो दुख होता है ईमानदारी से बताओ उसका अंत हो जाता है कि नहीं? दुख का क्या होता है? अंत हो जाता है। दोष जब तक बना रहेगा तब तक दुख का अंत नहीं हो सकता है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन से दोष दूर हो। मरीच को भगवान ने बिना फड़का बाण देकर दूर कर दिया, क्यों? ये दोष था, इसको दूर कर दिया। लीला में मरीच की जरूरत भी थी। क्या जरूरत थी? भगवान चाहते तो उसे मार सकते थे, लेकिन लीला जगत में लीला विस्तार के लिए मरीच की आवश्यकता थी भगवान को, इसलिए भगवान ने बाण दे करके अपना बना लिया। बाण दे करके क्या कर लिया? अपना बना लिया है। अच्छा, बाण दे करके अपना बना लिया। भगवान का बाण दो प्रकार का काम करता है, या तो भगवान का बाण लग जाए तो भगवान का जीव हो जाता है, या फिर वह निर्माण को प्राप्त हो जाता है। समझ गए हो कि नहीं? परम पद को प्राप्त हो जाता है, ये भगवान के बाण की विशेषता है। इसलिए भगवान ने अपनी लीला के विस्तार के लिए इसे मारा नहीं, इसे दूर कर दिया, लंका भेज दिया। अच्छा, आपको मालूम है कि सीता जी का वरण करने के लिए जा रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ बताओ, सीता जी शक्ति हैं और शक्ति ही राम जी के विस्तार की परम सहयोगिनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए सीता वरण के पहले मरीच को लंका भेज दिया। बोलो भाई, सीता वरण के पहले मरीच को लंका भेज दिया है अपनी लीला विस्तार के लिए, क्योंकि सीता मेरे साथ आएंगी तो तभी सीता के साथ मैं बन जाऊंगा तो मेरी लीला का विस्तार होगा, जंगल में सीता का हरण होगा और मरीच माध्यम बन जाएगा। बोलो, सीता हरण में कौन माध्यम बनेगा? मरीच बनेगा माध्यम। तो लीला के विस्तार के लिए भगवान ने मरीच को अपना बना करके भेज दिया है। जब से बाण लगा राम जी का मरीच के, तो मरीच राक्षसों का नहीं अपने को मानता है कि मैं राक्षसों का हूं, राम जी का मानता है अपने को। मन अति हरस जनाव न तेही, वो आज देखी हो परम स्नेही। स्पष्टीकरण है, आज देखी हो परम स्नेही। जब भगवान श्री राम पंचवटी में थे तो सीता के पास छल करके रूप बदल करके रावण के कहने से मरीच आ रहा था, तो क्या कह रहा था? मन अति हरस जनाव न तेही, आज देखी हो परम स्नेही। इसका मतलब है कि भगवान को परम स्नेही मान रहा है तो भगवान का हो चुका है, क्योंकि भगवान के बाण ने मरीच को भगवान का बना दिया है। सीधी सी बात। इसके बाद भगवान ने मरीच को परम पद दे दिया है, ये तो भगवान की व्यवस्था है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि दोष को हमें दूर करना चाहिए, दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला, स्वामी जी आपसे एक मेरी प्रार्थना है। क्या? हम बर्बाद हो चुके हैं, या तो मेरी मौत हो जाए या फिर किसी ना किसी तरह से मुझे राहत मिल जाए। हमने कहा, बर्बाद किस में हुए हो? किसने किया है? जुआ खेलते हो? बोले, जुआ नहीं खेलता हूं। तो फिर कैसे बर्बाद हुए? बोले, बीमारी ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, बीमारी ने कर दिया है? जमीन बिक गई, सोना चांदी सब बिक गया, बीमारी ठीक नहीं हुई। तो मैंने कहा, बीमारी कौन सी है, जरा बीमारी बताओ। बोले, खांसी आती है। हमने कहा, खांसी में जमीन सोना चांदी सब बिक गया है, खांसी इतनी खतरनाक बीमारी नहीं होती है। भैया, खांसी तो थोड़ा सा अगर आयुर्वेद पे विश्वास करो तो सतोपलाद शहद के साथ चाट लो, खांसी ठीक हो जाएगी। ज्यादा है तो सिरप वीरप कुछ आती है उसको ले लो, खांसी ठीक हो जाएगी। खांसी कोई ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें जमीन जायदाद बिक जाए? कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में व्यक्ति बर्बाद होता है, लेकिन खांसी में नहीं। कौन डॉक्टर है जिसने तुझे बर्बाद किया? बोले, जितनी डिस्पेंसरियां हैं कोई बची नहीं, सारे डॉक्टरों के पास गया, कोई डॉक्टर मेरी खांसी ठीक नहीं कर पाया। मैंने कहा, तो तू सोच क्या रहा है? बोले, यही सोच रहा हूँ कि अब जीवन नहीं जीना चाहिए। मैंने कहा, करता क्या है तू? बोले, समस्या इस बात की है कि नींद आती तो है, लेटता हूँ, खांसी आती है तो उठ के बैठ जाता हूँ, और फिर रात भर बैठा ही रहता हूँ। मैंने कहा, तो बैठा बैठा करता क्या है तू? बोले, महाराज बैठा रहता हूँ। अरे, जब तू बैठा रहता है तो राम श्याम कुछ तो नाम लेता होगा, हनुमान चालीसा पढ़ता होगा, सुंदरकांड पढ़ता होगा, नहीं है तो माला जपता होगा, मुख से राम राम सीता राम तो कहते ही होगा। बोले, महाराज ये सब हम कुछ नहीं करते हैं, ना तो सीता राम कहते, ना राम राम कहते, ना हनुमान चालीसा, ना सुंदरकांड। तो हमने कहा, रात भर तू बैठा बैठा करता क्या रहता है? बोले, चारपाई पे बैठा बैठा बीड़ी पीता रहता हूँ रात भर। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, बीड़ी सिगरेट पीने वाला दोष जब तक दूर नहीं होगा, खांसी वाले दुख का अंत होगा क्या? जल्दी बोलो, ये खांसी कब जाएगी,
जब बीड़ी पीने वाला, जब सिगरेट पीने वाला दोष दूर हो जाएगा, खांसी रूपी दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। अर्थ क्या निकला है? अर्थ यही है कि हमारे जीवन में अगर दोष बने रहेंगे तो हमारे जीवन के दुख का अंत कभी हो नहीं सकता है, और दोषों को हमने दूर कर दिया तो हमारे जीवन के दुख का अंत हो जाएगा, हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। मरीच को कर दिया समुद्र के उस पार,